हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ठंड का मौसम है, बहुत ज़ोर से ठंड हो रही है, तो एक स्पाइसी चटनी, हरी चटनी यहाँ पर दोस्तों हम बना के रेडी कर रहे हैं। जो इन दिनों में जो बॉडी आती है एकदम बिल्कुल हल्की हल्की सी, बिल्कुल ऐसी बॉडी आती हैं धनिए में जो बॉडी पड़ जाती हैं पकने के लिए, वह बॉडी की हम बना के रेडी कर रहे हैं एक स्पाइसी चटनी। इनको मैंने तोड़ लिया था, तो बस इसके लिए मैंने हरा धनिया, अदरक और मिर्ची इसमें ऐड कर दी है। साथ में दो टमाटर थोड़े से रोस्ट करके इसमें डाल दिए हैं। बहुत ही चटनी स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। अब इसमें थोड़े से हम नमक, जीरा और लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। तो बस अब इसको हम ग्राइंड करके रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एकदम दरदरी सी बन के रेडी होती है ये चटनी, बहुत टेस्टी लगती है। इसको हम खाएंगे आलू के गर्मा गर्म पराठे के साथ। तो आलू का पेस्ट मैंने बना के रेडी कर लिया है और आलू का पराठा बहुत टेस्टी लगता है। इन जाड़ों के मौसम में तो हम आए दिन पराठे बनाते ही रहते हैं। तो ये स्टफिंग मैंने इस तरह से हाथ से दबाकर मैंने लोई को अच्छे से दबा लिया है और स्टफिंग इस तरह से भर ली है इसमें, और इस तरह से मैं इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लूँगी और एक बड़ी सी लोई इसको दबाकर बना लूँगी। और थोड़ा सा हाथ से इसको हम दबा देंगे इस तरह से, और बस बेलन की मदद से इसको इस तरह से बेल के रेडी कर लेंगे। बन गया हमारा आलू का पराठा। जो निकले निकले पराठे रहते हैं थोड़े से ज़्यादा स्टफिंग भरी होती है उसमें, तो वो पराठा टेस्टी बहुत लगता है। इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। तो ये पराठा गया सेकने के लिए। हाँ, आप देख सकते हैं ये एकदम क्रिस्पी और खस्ता बन के रेडी होगा। इस तरह के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारे यहाँ तो आए दिन ये परांठे बनते हैं, क्योंकि बच्चों की बारिश भी इन दिनों में हो रही है, हल्की हल्की बारिश, कहीं कहीं बारिश भी होने लगी है। तो बारिश का मौसम हो, ठंडी ठंडी अच्छी हवाएं चल रही हों और इस तरह के परांठे मिल जाएं तो दिन ही बन जाता है। तो इस तरह से बनाएं कुछ अच्छे खस्ता खस्ता आलू के परांठे और एक स्पाइसी चटनी, तो भाई दिन ही बन जाता है खाने वालों का। तो बस हमारा परांठा हो गया है, पलट पलट कर दिया है तैयार बन के। क्या आप भी अपने घर में इस तरह से पराठा चटनी बनाकर रेडी करते हैं? आप किस चीज़ से अपना पराठा खाना पसंद करते हैं जाड़ों के मौसम में? आप मुझे बताइए, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक अगली और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। इसको हम सर्व कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।